स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं कर्मभूमि टीवी। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। कोटद्वार में हाईकोर्ट के निर्देश पर एनएच पर हुए अतिक्रमणों को हटाने का काम जारी है। शुक्रवार को कुछ अतिक्रमण और हटाए गए, लेकिन सरकारी विभागों की ओर से एनएच के फुटपाथ व नगर निगम की नजूल भूमि पर किए गए अतिक्रमण को अभी तक नहीं हटाया गया है, जिससे लोगों में प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान भवन स्वामियों की ओर से नगर निगम प्रशासन पर दोहरे मानक अपनाने का आरोप लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकारी विभागों के अतिक्रमण तो हटाए नहीं गए और व्यापारियों के अतिक्रमण तुरंत तोड़ दिए गए। कोटद्वार शहर के बीच एनएच पर मालवीय उद्यान से बेस अस्पताल के बीच कई सरकारी विभागों के कार्यालय व सरकारी स्कूल हैं, जिसमें नगर निगम का खुद का भवन, गेस्ट हाउस, कोतवाली, सीओ कार्यालय, तहसील परिसर, डीएम का कैंप कार्यालय परिसर, जीजीआईसी कोटद्वार की चार दीवारी, सीतापुर नेत्र चिकित्सालय और बेस अस्पताल की चार दीवारी शामिल हैं। तो वहीं गुरुवार को कोर्ट के निर्देश पर नगर निगम और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने लाल बत्ती चौराहे से तहसील चौराहे तक चिन्हित करीब 49 अतिक्रमणों को हटाने के लिए अभियान चलाया, लेकिन सरकारी विभागों की ओर से हाईवे पर किए गए अतिक्रमणों को नहीं छेड़ा गया। तो उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए कर्मभूमि टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।